ये सर जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि 4% से ज़्यादा के लोअर सर्किट लग चुके हैं। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सोयाबीन की फसलें भी खराब हो रही हैं और जो स्टॉक है वो भी अब कम है, लेकिन जो सोपा का नया सर्वे आया है, सोपा के जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें ये निकल के सामने आया है कि सोयाबीन का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले लगभग 14% ज़्यादा रह सकता है, 119 लाख टन के अराउंड रह सकता है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सोयाबीन के उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं और भारी वर्षा की वजह से सोयाबीन की फसलें खराब हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सोयाबीन की कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए सोयाबीन में नई क्रॉप की आवक आती भी दिखाई दे रही है और आगे भी आवक बढ़ सकती है, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, आवक का प्रेशर सोयाबीन पे आता हुआ दिखाई देगा और क्रॉप भी इस बार पहले के मुकाबले अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल नकली का रुख भी बना रहेगा सोयाबीन में और भाव नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेक्टेड है नीचे भाव करीबन 5200 से लेकर 5100 रुपये तक की रेंज में आ सकते हैं, तो सोयाबीन के भावों में भी नकली का रुख देखने को मिल सकता है जी।